आपकी एक भृगुंग मात्र से हरि के द्वारपाल दोनों भूमि पे आ जाते हैं और आपकी ही कृपा से फिर ऊपर चले जाते हैं। तो महाराज आप ही कृपा करके बताइए कि मैं सत्कर्म करूं क्या। प्रश्न किया तब कुमार यानी शनत कुमार जी उत्तर दे हैं, मा चिंता कुरु देव ऋषे हर्ष चित्ते समावह उपायम सुख साध्योत्र वर्धते पुरे। देखिए यहां फर्क इतना है कि नारद जी बीमार है और शनत कुमार जी डॉक्टर है। आजकल हम डॉक्टर के पास जाते तो वो क्या कहते पता है, ऐसे हाथ लेते हाथ में फिर कह रहे 105 बुखार हो गया है, अब तो बचने की कोई शक्यता नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है, फिर भी मैं उपाय कर दूंगा। और शनत कुमार जी ने क्या कहा, मां चिंता गुरुदेव ऋषे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्यों हर्ष चित्ते समा, अरे खुश हो जाओ, इसका उपाय तो पहले से है, ऐसा नहीं कहा कि मैं बता रहा हूं। तो कहे महाराज फिर क्या करना चाहिए। कहने लगे श्रीमद भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। कहे श्रीमद भागवत की कथा सुनिए, ये उससे होगा। ये सुनकर नारद जी महाराज ने शनत कुमारों की एक स्तुति की है, यद दर्शनम चविहिन्ते शुभानि सद्यम श्रेयस्तनोति भव दुख दवार्दिताम करके एक अच्छी सी नारद महाराज की स्तुति की और ज्ञान यज्ञ करने के लिए कहा। अब नारद जी महाराज पूछने लगे शनत कुमारों से, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम शनत कुमारो जी ने कहा कि भाई आप एक काम करिए, ऐसे ही एक कथा का आयोजन कीजिए और जहां भागवत कथा होगी यही उनका उपाय है। तो नारद जी पूछने लगे कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद विचामिह महिमा शुक शास्त्रस्य। गए महाराज मैं कहां कथा करूं वो आप बताइए, और दूसरी बात और कथा भी आप सुनाइए। अब देखो शनत कुमारों को तो सत्संगी करना था, कोई सुनाता तो सुन लेते और कोई सुनने को तैयार है तो हरिनाम गा लेते। बोले ठीक है, और कहने लगे श्रुणो नारद वक्षामो विनम्राय विवेकिने द्वार समीपे कहा। नारद गंगा के आनंद नाम के तट पे इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए। ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो प्रयत्नत अपूर्वर स्वरूपा। अरे नारद आप वहां कथा का आयोजन कीजिए, अपूर्व रस रूप होगा, उसमें ऐसा रस होगा कि आज तक किसी ने पिया न होगा और किसी ने पिलाया न होगा, तो आप वहां कथा का आयोजन कीजिए। और दूर दूर सबको खबर होने लगी कि नारद महाराज कथा। देखो नारद जी यजमान हो, शनत कुमार वक्ता हो, तो कौन कौन नहीं आएगा, हा? इसको गा के देखे कि आप लोग गाते हैं ना करारविंदे, ऐसे कुछ श्लोकों को गाते हैं, आइए कौन कौन आया गाते हैं। गुरु वशिष्ठ यवनश्च गौतमो बलदेवदातो गुरुवशिष्ठ यवनश्च गौतमो विभाते फिर बलदेवदातो
पंडरपुरा त्रिज की प्रदादा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको कैसे कैसे लोग आए। भृगुर वशिष्ठ यवनश्च गौतम मेघातिथि देवल देवरा तो ऐसे बड़े बड़े ऋषि आए। रामस्तथा गादिसूतश्च शाकलो मुकुंड पुत्रा द्रिज पिपलादा गंगाध्या सरितस्तत्र पुष्करादि सब नदियां आई सब ऋषि आए। देखिए ये पता चले कि यहां कथा हो रही है। हाँ नारद जी जैसे यजमान और सनत कुमार जैसे वक्ता हो तो कौन नहीं आएगा। सब के सब ऋषि आए सब नदियां आए सब गिरे आए सब पर्वत आए। और जैसे कथा शुरू होने जा रही थी इतने में तो केवल महात्म्य का गान हो रहा सब आ रहे हैं। इतने में भक्ति महारानी भी वहां पधारती है। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहित वा प्रेमे के रूपा भक्ति सुतो तो तरुणो गृहित वा प्रेमे के रूपा सहसा विदासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जैसे भक्ति महारानी जी पधारी अपने संतानों को लेकर दोनों को वैसे ही आके सबसे पहले प्रश्न हुआ। सब बैठे हुए थे कहीं देवगण थे कहीं कुछ लोग थे। भक्ति महाराणा जी आके खड़ी हो गई और फिर उनको स्थान देना था तो कहां दिया स्थान। भक्ति महारानी को वैष्णव के हृदय में स्थान दिया गया और पूरा माहौल ऐसा खड़ा हुआ कि अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्टा भक्तिं अलौकिकं निज लोक परितज्य भगवान भक्तवत्सलः। भगवान ने देखा भक्ति जी आज नाच रही है भक्तों के हृदय में तो भगवान ने क्या किया अपना धाम छोड़कर वो भी नीचे आ गए। ये देखिए कैसी कथा होगी।